जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 113 स्टार्ट करें। इसमें IFRS 15 की डिस्कशन नहीं होगी, थोड़े IS 8 और फाइनल अकाउंट टाइप डिस्कशन है। अच्छा, ये हैंड रिटन पेज है Volume 1 में। अब अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो कोई मसला नहीं, Volume 2 में भी ये पेजेज हैं। गुड हैं, बिल्कुल। IS 21 में लैंड एंड बिल्डिंग किराए पर दी जाती है या लैंड और बिल्डिंग किराए पर दी जाती है, और बिल्कुल Volume 2 में भी है। और दूसरा IS 40 में और IS 21 हमने मिक्स करके पढ़ा था, लेकिन फिलहाल IS 40 की बात करूँ। IS 21 माजरत, IS 21 तो नहीं मैंने मुझसे निकला था, IS 40 IS 21 को तो छोड़ें। IS 40 में आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग भी किराए पे दी जाती है, लैंड और बिल्डिंग भी किराए पे दी जाती है। और दूसरी बात, लैंड एंड बिल्डिंग को अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखें, महंगा होने के लिए रखें, तो भी ये स्टैंडर्ड लगता है, किराए पर देना या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। अच्छा, IS 40 जो है वो आपको शायद याद हो, दो मॉडल फॉलो करता है। इसमें मैं सवाल ही आपको दिखा देता हूँ, एक Example 1 देखें। लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर ₹70 इंक्लूडिंग लैंड ऑफ ₹30। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 2011 इज ₹95 एंड ₹65 ऑन 31 दिसंबर 2012। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। अच्छा जी, पहले मैं ज्यूम करता हूँ हम फेयर वैल्यू मॉडल ऑप्ट कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज्ड एट 70, परचेज एट 70 टी अकाउंट। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 2011 इज 95 एंड ऑन 31 दिसंबर 2012 इज 65। तो बोले 70 की चीज कितने की हो गई, 95 से गिर के। तो याद रखिएगा, इस टी अकाउंट के अंदर जो गेन लॉस है वो कहां जाते थे, P&L में, वर्सेस टाइप एक कैलकुलेशन है। ठीक है जी, तो बताएं फेयर वैल्यू मॉडल में क्या होता है और क्या नहीं होता। एसेट बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पे नजर आता है, P&L में गेन लॉस जाता है और डेप्रिसिएशन चार्ज। तो होता क्या है, फेयर वैल्यू गेन लॉस, क्या नहीं होता, डेप्रिसिएशन। ये सारा आपको करवाया हुआ है। अच्छा, और ये एंट्रीज हो जाती है फेयर वैल्यू की, खरीदने की एंट्री, फेयर वैल्यू की एंट्री, फेयर वैल्यू की एंट्री, पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो 70 में लैंड शामिल है, तो 70 को डेप्रिशिएट करेंगे या 70 माइनस 30, 40 को, 40 को डेप्रिशिएट करेंगे। टोटल 70 है, उसमें लैंड 30 है, तो डेप्रिशिएट किसको करेंगे, 40 को। लेकिन इसमें लाइफ पता होनी चाहिए, इसमें क्या पता होनी चाहिए, लाइफ। तो लाइफ ऑफ बिल्डिंग मैंने मिटाई भी थी, अब दिखा रहा हूं, लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 ईयर्स। तो 70 की टोटल प्रॉपर्टी है, इसमें क्या चीज, नहीं मुझे नहीं चाहिए 70 की, हाँ 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 मुझे चाहिए, रखते हैं। 70 की टोटल प्रॉपर्टी है, इसमें क्या चीज चाहिए, लैंड। तो 70 माइनस 30 40, तो डेप्रिशिएट किसको करूं बताएं, लेकिन डेबिट पूरी प्राइस करें 70, लेकिन जब डेप्रिशिएट करना हो तो सिर्फ डेप्रिशिएट किसको करें, 40 को। डन हो गया। अब बता दें मेन फीचर्स ऑफ फेयर वैल्यू मॉडल, रिवेल्यूशन मॉडल नहीं बोलना, रिवेल्यूशन मॉडल क्लास IS 16 के साथ है। मेन फीचर्स ऑफ फेयर वैल्यू मॉडल एज कंपेयर टू कॉस्ट मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल में बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पे जाते, P&L में गेन लॉस जाते और डेप्रिशिएट, ये सारा आपका FR1 की है। इधर एसेट बैलेंस शीट कॉस्ट माइनस एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एकम्युलेटेड इंपेयरमेंट लॉस पे जाते, P&L में क्या शो होती है, तो क्या चीज P&L में नहीं जाती, फेयर वैल्यू गेन लॉस। अच्छा, अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रही है, तो उसकी किताबों में सिर्फ आपको फेयर वैल्यू गेन लॉस नजर आ रहा होगा, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ वो कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है, तो उसकी किताबों में आपको फेयर वैल्यू गेन लॉस नजर नहीं आ रहा होगा। IS 16 की तरह चीजें चलेंगी, बल्कि कौन सा मॉडल हो रहा होगा, कॉस्ट मॉडल। आइए, बिल्कुल 100% IS 16 की तरह। IS 16 में भी हम लैंड को आपको पता है डेप्रिशिएट नहीं करते, तो ये तकरीबन क्या सारा IS 16 की तरह है। और ये लेकिन IS 40 में ये कहा जाता है कि जो बंदा लैंड बिल्डिंग खरीदे उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या चीजें कॉस्ट पे रखे और डेप्रिशिएट करे फिर वैल्यू बना लेके जाए, या फेयर वैल्यू पे ले जाए फिर डेप्रिशिएट करने की इजाजत नहीं है। डन। अच्छा, अब जी आज का जो मैंने सवाल अपलोड किया है, उस सवाल को अगर हम देखें तो उस सवाल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सोचा है
2019 का सवाल है, मैं सवाल की भी पहली लाइनें नहीं पढ़ रहा। सवाल में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगी हुई है 2019 के साल की, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। अगर 19 के साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगी है, कंपैरेटिव का मतलब 2018। इसमें मैं पॉइंट वन पढ़ने लगा, फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनल अकाउंट टाइप लाइन है, ये इनकॉर्पोरेट करने हैं या हो चुके हैं। टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट टू फेयर वैल्यू। कहते पहले हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे थे, आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं? फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ। द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ बिल्डिंग परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016। हम किस में खड़े हैं? 19, 18, 17, 16। ये प्रायर ईयर की चीज है, इसको प्रायर ईयर में जाके हम सही करेंगे। इसको चेंज इन एस्टिमेट नहीं कहते, ये प्रायर ईयर की चीज है, इसको प्रायर ईयर में जाके सही करेंगे। द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज बिल्डिंग एट ए कॉस्ट ऑफ 150 मिलियन। 60% ऑफ द कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द, बोले 60% कॉस्ट रिप्रेजेंट बिल्डिंग कंपोनेंट हैविंग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ, ब्रेक लगा दें, एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ, ब्रेक लगा दें। यहां तक सिंपल सा सवाल है आपका, आपने मुझे एंट्रीज करवा देनी है अंडर कॉस्ट मॉडल। तो 1 जनवरी 2016, मैं सवाल बार बार खोलूंगा क्योंकि आपके पास किताब में नहीं है। कितने की खरीदी है हजरात? 150 की। 60% इसमें क्या है? बिल्डिंग लैंड है, बिल्डिंग है। 60% इसमें क्या है? बिल्डिंग है। तो बाकी क्या है? अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है किसकी? बिल्डिंग की, ऑब्वियसली उसने लिखा हुआ है एंड रेजिडुअल वैल्यू, बिल्डिंग की बात कर रहा है। अच्छा जी, 1 जनवरी 2016 को एंट्री बोलें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने के? बिल्कुल बहुत सिंपल सिंपल सी सादा बातें करनी है आज आपसे, कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करनी। 1 जनवरी 2016 31/12/16 को कॉस्ट मॉडल है, जल्दी बताएं। डेप्रिशिएट करूं फेयर वैल्यू, डेप्रिशिएट फेयर वैल्यू, डेप्रिशिएट कॉस्ट बोलें 150, लेकिन इसमें क्या शामिल है? लैंड शामिल है, बाकी क्या है? बिल्डिंग है। तो इस तरह कर लें 150 × 60%, ये 150 क्या है? मुझे क्या चाहिए? बिल्डिंग। तो डेप्रिशिएट किसको करेंगे, 90 को या दोनों को? 90 को। 90 में से क्या माइनस करेंगे? रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 10। और डिवाइड किससे करेंगे? लाइफ से। लाइफ कितनी? 20 इयर्स। डन। तो व्हाट इज दोनों की कॉस्ट? 60% ऑफ कॉस्ट इज बिल्डिंग और लाइफ इज, और रेजिडुअल वैल्यू इज 10। तो व्हाट इज दोनों की कॉस्ट? 60% इज बिल्डिंग, बिल्डिंग कॉस्ट माइनस बिल्डिंग का मतलब एप्सन, सॉरी बिल्डिंग रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। बता दें जी एप्सन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड एप्सन क्रेडिट कितने से? 4 से। ये किस साल की एंट्री हो गई? 31/12/16 की, 31/12/16 की एंट्री हो गई है। कॉपी पेस्ट, यही एंट्री किस साल की हो गई? 31/12/17 की। पेस्ट, यही एंट्री किस साल की होगी? 31/12/18 की। पेस्ट, यही एंट्री किस साल की होगी? 31/12/19 की। हमारा साल भी है ना भाई, हमारे साल में भी गलती होगी भी है। तो चलें जी, आप नोट कर लें, फेयर वैल्यू वाला देख लेते हैं अभी। तो ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है और ये 19 है। चलें जी, ये 5 एंट्रीज नोट कर लें फिर आगे चलते हैं। ये कौन सा मॉडल फॉलो कर रही थी एंटिटी? कॉस्ट मॉडल, उधर ही रखो जी भाई। हो गया, हो गया। Thank you.
Okay. वर्किंग ईयर असल में ना अगर आप स्टैंडर्ड के अंदर रहते हुए अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं तो वो कोई एरर नहीं होती, तो ये भी आई एस 8 में मैंने हल्की सी डिस्कशन करनी है। फिलहाल आपको सिर्फ मेथोडोलॉजी समझाने लगा हूँ। अच्छा जी, वर्किंग हो गई। ये कौन सा मॉडल यूज़ करी थी एंटिटी जी? अब दिल क्या चाह रहे किस मॉडल पे चली जाए? फिर अब 31/12/16 को भी फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा, 31/12/17 को भी फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा, 31/12/18 को भी फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा, 31/12/19 को भी फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा। ओके, द डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन पड़ी भी ऊपर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि कौन सा मॉडल यूज कर रहे थे? कॉस्ट मॉडल। अब चेंज बता दें कहां से कहां है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल। जी मैं पढ़ता हूँ, द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज बाय 6% इन ईच ईयर। हर साल कितने परसेंट फेयर वैल्यू बढ़ी है? 6% फेयर वैल्यू बढ़ी है। कुछ शॉर्टकट भी लगा सकते हैं ऐसे 6% हर साल फेयर वैल्यू बढ़ रही है, या किस तरह कर लें? टी अकाउंट तो सारे सालों का जरा मुश्किल हो जाएगा बनाना। हर साल 6% फेयर वैल्यू बढ़ रही है, चलें शुरू करते हैं, फिर मैनुअली काम करते हैं। ये वही वर्किंग चल रही है, अगर आप उसके आगे जगह नहीं है तो कोई मसला नहीं, नीचे नोट कर लें। ये कौन सा मॉडल मैं फॉलो कर रहा था जी? कॉस्ट, और ये फेयर वैल्यू मॉडल जी। 1 जनवरी 16 भाई, ख़रीदने की एंट्री कोई डिफरेंट नहीं है माय डियर, ख़रीदने की एंट्री कोई डिफरेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट। बताएं जी, 31/12/15 को 6% महंगी हो गई, कैलकुलेटर पकड़ें, 6% महंगी हो गई। पॉइंट के बाद ना एक डिजिट पे चलें, 150 इंटू 1.06% की है, क्या हो गया? 159 वर्सेस 150, कितना गेन आ गया? 9 का गेन आ गया। सोल्यूशन में देख लें, ये राउंडिंग यूज हुई है एंड पे, ताकि सोल्यूशन में मसला हो। फिर ये राउंडिंग यूज हुई है, एंट्रीज हुई हुई है एक सफे पे, यही वाली राउंडिंग है, 9 है। 31/12/16 यही है। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलें आगे चलें। इसके बाद सोल्यूशन में आने के लिए पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं, मैं भी दो डिजिट यूज करूंगा। बोलें जी प्राइस अब कितनी है? 159। इसकी 6% बढ़ गई वैल्यू, सादा सी बात है, कोई ये काउंटिंग की बात नहीं है कि हर साल प्रॉपर्टी के 6% वैल्यू बढ़ जाए। 168.54 वर्सेस 159। बता दें जी, ओ भाई जान, बस गेन की एंट्री करनी है, हर साल 6% बढ़ रही है, आप टेंशन ही ना लें कि लॉस की एंट्री आनी है। 31/12/17 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पी एंड एल क्रेडिट कितने से जी? 9.54। अच्छा जी, अब 168.54 वाली चीज को कितने परसेंट बढ़ाना है जी? 178.65 वर्सेस 168.5। वैसे ये गलती की है हमने, पॉइंट का दो डिजिट डाल के, गलती चलने दे आगे, कोई मसला नहीं जी। एंट्री बताएं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पी एंड एल 10.11। भाई अब जिस दुनिया में रह रहे हो ना, 10.11 ना बोला करो। 31/12/19 जी बोलें,
खड़ी किस पे है फिगर? 168.54 पे। इसको 178.65 मल्टीप्लाइड बाय 0.37 वर्सेस 178.65 जी बोले 10.72। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री क्यों नहीं हो रही? हाँ चलें जल्दी नोट कर लो। क्या चीज पता कैसे चलेगा स्टार्ट से कॉस्ट मॉडल यूज किया हुआ है? एक मिनट, फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड का मतलब बताएं, करना है या हो गए हैं? टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस। इट मींस जिस साल सवाल चल रहा है तो 31 दिसंबर 2019 का सवाल चल रहा है, तो 2019 के एंड पे हमने सोचा कि ऐसा करें। अब पिछले सारे सालों में 19 डाल के गलती हो गई है, कैसे पता चला पिछले सारे सालों में गलती हो गई है? देखो इधर, पहले कॉस्ट मॉडल चल रहा है, द डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये मैटर को इनकॉर्पोरेट करना है हमने या हो चुके हैं? करना है। क्या सोचा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने? चेंज करें। क्या करें चेंज? से अगर बोर्ड ने सोचा है कॉस्ट को फेयर वैल्यू मॉडल पे चेंज करें, और पहली लाइन कह रही है कि ये इनकॉर्पोरेट करो, तो इसका क्या मतलब है? ये इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ या हमने करना है? कब से करना है? ये भाई आईएएस सेट के सवालों में एक सवाल होता है, ये मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। ये जो सवाल जब करने को कहता है ना, तो इसका मतलब होता है कि पिछले कई सालों से ये हो ही नहीं रहा था, और इस साल भी डेप्रिसिएट ही होता रहा, इस साल भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। इस सवाल का चलो मैं जवाब आपको अगली क्लास में दे दूंगा, ठीक है? या ये सेट की आप जरा डिटेल में बहस करना चाह रहे हो, सिंपल सी बात बता दें जी, एसेट के बारे में हमने क्या सोचा है, किस मॉडल से किस मॉडल पे चले जाएं? कॉस्ट मॉडल से फिर अभी जिस तरह चला रहा हूं उस तरह चलो। अच्छा, अब इसकी ना मैं रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं कर रहा कोई, क्योंकि आपको पता है मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी भी है, और मैं कौन सा गेन लॉस निकालना चाह रहा हूं? फेयर वैल्यू गेन लॉस। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं करा, रेक्टिफाइंग एंट्री इंशाल्लाह फेस के ऊपर ही कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अच्छा, अगली मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप मुझे लीज वाले की रेक्टिफाइंग एंट्री कर दें। क्या? हाँ, 31/12/18 में चलें जी, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप 0.2 की ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर दें, या कम से कम ओरिजिनल और रॉन्ग कर दें, रेक्टिफाइंग हम खुद ही कर लेंगे डायरेक्ट। ये एंट्री खुदा के लिए गलत ना कीजिएगा। पता चल गया क्या गलती है? तो लीज की 2 मिनट में 2 सालों की ओरिजिनल एंट्रीज कर लें, 2 मिनट से ज्यादा ना लें, 2 मिनट में 2 सालों की ओरिजिनल एंट्रीज कर लें। Thank you.
जी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पच्चीस अरब सात एलपी कितनी आ रही है 100 पीवी ऑफ एलपी एडवांस का सवाल है एरियर का यार इसी पे पड़ा पड़ा है इस पेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर एरियर 1 - 1.12 raised to power -7 डिवाइडेड बाय क्या आ गई प्रेजेंट वैल्यू 114.10 जी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 2 सालों का काफी है आप अपना काम करें मैं अपना जल्दी जल्दी फिर मैच करता कहाँ पे नहीं यार ये मेरा नहीं खाल गला हाँ ये लीज की पहली क्लास के अंदर ये डिस्कशन हो गई थी अठारह की डिप्रिसिएशन हाँ डिप्रिसिएशन कितनी है एक सौ चौदह इशारिया एक डिवाइडेड बाय सेवन सोलह इशारिया तीन इकतीस बारह उन्नीस सॉल्यूशन में ना देखो किस तरह हुआ है लीज लायबिलिटी डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 25 12.33 12.31 डेप्रिसिएशन डेबिट 16.3 किस टाइम तक खत्म करनी है मुझे बता दें मैं कर दूंगा आप बताएं
कब तक खत्म करनी है? आ जाए। अच्छा नहीं नहीं, नहीं मैं तो होती इधर है। हाँ हाँ, 4-10 तक इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन बंदा बाहर खड़ा कर दीजिएगा, बच्चे ना आते रहे। ठीक है जी शहबाज भाई, बंदा बाहर खड़े कर दीजिएगा। भाईजान गलत एंट्री बताई क्या हुई है? फाइनल अकाउंट के आखिरी सवाल था, क्वेश्चन नंबर आखिरी नहीं, सबसे पहला जो क्लास में कराया था उसमें ये गलती हुई थी, लेकिन उसमें उसी साल हुई थी, इसमें काफी पहले की गलती हुई भी है, 2 साल पुरानी गलती है। इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट, इसका मतलब इससे पहले आइडेंटिफाइड नहीं था। इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट पेमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड एज रेंट एक्सपेंस। पेमेंट्स हमेशा से कहां जाई जा रही हैं जी? पेमेंट्स हमेशा से रेंट एक्सपेंस में जाई जा रही हैं। बता दें भाईजान क्या गलत एंट्री हुई? रेंट एक्सपेंस डेबिट, शहजादे को लीज आती नहीं, वो जो किराया दे रहा है उसको किराए में डाल रहा है। कैश की एंट्री तो भूल नहीं सकता ना, कैश की एंट्री भूल नहीं सकता। और इस साल क्या गलत एंट्री हुई? रेंट एक्सपेंस डेबिट जी कितनी? 25। डन। अच्छा भाई सवाल के रिक्वायरमेंट पढ़ें, सवाल के रिक्वायरमेंट, यही सब कुछ है ना, ये ओरिजिनल एंट्रीज हैं और ये रॉन्ग एंट्रीज हैं। हाँ जी ये इसको क्या करना है? 6-7 12.67 है, सही कह रहे हैं ये तो। और भी बात है जो करें, उत्ते थले हो गया ऐदे ते ऐदे, ओके ऐते वड्डी गलती है। जी बोले आई में 12.33 ओके। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कितने साल की मांगी हुई है? हमारा ईयर एंड कौन से? 31/12/19। और किस किस साल की मांगी हुई है? 31/12/18 की भी और 31/12/19 की भी। 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी मांगी है, चेहरा शरीफ ऊपर रखना है। 2 साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी मांगी हुई है। नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके देखते हैं, नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पैकेजेस की किधर हैं? किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पेज नंबर 9। ये नोट्स चल रहे हैं, अच्छा अब से आप समझना, जो लेट आए इधर इधर से आपसे समझना शुरू करें, कोई इतनी परेशान वाली बात नहीं लेट होने में। अच्छा इधर देखें भाई, ये आप आज एक दफा मुझे बता दें बात फाइनल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ओए हमारे सवाल में भी 19 की मांगी हुई है, कमाल होगी यार, खीर होगी। इधर देखें आप, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पैकेजेस वालों ने 31/12/19 के साल में जरा देखिएगा कहां से बनाना शुरू की है। ये क्या चक्कर है, यानी 31/12/19 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लोग कहां से बनाना शुरू कर रहे हैं और क्या हो रहा है इस दुनिया में, ये बताएं जी। यहां से क्यों बनाना शुरू कर रहे हैं 31/12/19 की? अगर मैं 31/12/19 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 1 जनवरी 2019 से बनाना शुरू करूं, तो फिर तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग में सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट आएगा।
लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं दो सालों की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनाऊं, तो मुझे बताएं स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। इफ माई ईयर एंड इज 31 December 2019 एंड आई वॉन्ट टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर 19 and 18, तो दो साल बनाने के लिए तुम्हें यकम जनवरी 18 से लेना पड़ेगा। अच्छा, यकम जनवरी 18 से इसने शुरू किए, यकम जनवरी 18 से शुरू करके मुझे जरा सोच कर बताएं, ये यकम जनवरी 18 है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ये 31 December 2018 है, सोच के बताएं ये किस साल का प्रॉफिट होगा। 18 का। तो यकम जनवरी 18 का ब्रॉड डाउन रिटेन्ड अर्निंग जमा प्रॉफिट 18 का इज इक्वल टू कैरेट डाउन रिटेन्ड अर्निंग। आगे सोचें क्या होगा, इसी तरह की कुछ चीज सोच के रखें आगे क्या होगा। आगे प्रॉफिट आ रहा है, फिर दोबारा प्रॉफिट आ रहा है, फिर दोबारा, और फिर बैलेंस किस दिन का आ रहा है, 31/12/19 का। अब जरा फाइनल वर्जन देखें, अगर मैं 2018 और 19 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना चाहता हूं, व्हाट आई एम सपोज टू डू, यकम जनवरी 18 से स्टार्ट करूं, 31 December 2018 पे ब्रेक लगाने से पहले प्रॉफिट डालूं इस साल का, फिर प्रॉफिट डालूं 19 का, तो 31 December 2019 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। चलें जी, ये फॉर्मेट बनवा दें छोटा सा, ये छोटा सा फॉर्मेट बनवा दें। क्या नाम है जी ऑर्गेनाइजेशन का हमारे वाली का? फखर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फॉर ईयर एंडेड 31/12/19। कितने साल की बनाना चाहता हूं, तो फिर दो साल पुरानी डेट से शुरू कर दें। अच्छा जी, पहला हम लाइन लिखा करेंगे बैलेंसेस एज ऑन यकम जनवरी 18। दो दफा लिख दिया, तंग कर रहे। चलें ठीक है, अभी आप दो लाइनें फिर छोड़ दें, कोई नहीं, रिलैक्स। और दो लाइनें छोड़ दें, ठीक है, ये इधर दो लाइनें छोड़ दीजिएगा, अब तो नहीं तंग कर रहा जी। इसमें कोई डिविडेंड्स वगैरह आने हैं, डिविडेंड्स वगैरह, कोई राइट शेयर्स वगैरह आने हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डन जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये मुझे बता दें किस साल का होगा, 18 का। इसके बाद मेरा बैलेंस अल्लाह का शुक्र है किस दिन का आ जाएगा, 31/12/18 का। इधर कोई डिविडेंड्स वगैरह और बाकी चीजें आएंगी, ये पहले बता दें आप, बीडी प्लस पैट इज इक्वल टू सीडी बन गया, बीडी प्लस पैट इज इक्वल टू सीडी। अब इसको मेरा मशवरे बीडी बना लें, बीडी प्लस इज इक्वल टू, बोले बोले हिम्मत करें, बैलेंस एज ऑन, ये प्रॉफिट का बता दें किस साल का होगा, 2019 का। तो दो लाइनें ऊपर छोड़ें, इधर देखें, दो लाइनें ऊपर छोड़ें, पांच लाइनें इधर छोड़ें, और चार पांच लाइनें इधर छोड़ें, और इसको बना लें। चार चार पांच पांच छोड़ते हैं यतन। ये कितने साल की स्टेटमेंट इन इक्विटी, दो साल की। एक साल की हमने क्लास में बनाई हुई है, दो साल की हम क्लास में बना रहे हैं, हुई है और हो रहे हैं ना, ये बोला है। ये किस साल के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, इधर देखिएगा मेरा एरो, ये किस साल के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, दो साल के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं। चलें, लेट्स मूव नेक्स्ट। अच्छा, इधर ना थोड़ी जगह जरा छोड़ के कोने पे आपने बनाने कॉलम अपने, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग और रिवेल्यूशन
सरप्लस। जनरल जब हैं सवाल में देख लें एक दो, हाँ हैं तो लिखो, नहीं ठीक है तो भी ठीक है, चार कॉलम रख लें। डन जी, चलें। अच्छा भाई, अब आपने IS-8 की मेथोडोलॉजी समझनी है और मुझे खुद बता देना है, अगर मुझे 31/12/19 की रात को खड़े होके, बल्कि आपको मजे की बात बताऊं, ये 31/12/19 की रात नहीं होती, मैंने आपको बता दिया है IS-10 में 31/12/19 की रात नहीं होती, 2020 जनवरी फरवरी चल रहा होता है, क्योंकि 31/12/19 हमारा ईयर एंड हो गया होता है, उसके बाद जनवरी फरवरी में ऑडिटर्स आते हैं और ये सारी चीज़ें चलती हैं। चलें 31/12/19, अगर मैं 31/12/19 की रात में खड़े होके 19 के साल की गलती पकड़ूं, तो मुझे किस साल सही करनी चाहिए? इस पैट में फॉर द ईयर, गलती फॉर द ईयर पैट में सही होनी चाहिए। अगर मैं 31/12/19 के साल में खड़े होके कोई 18 की गलती पकड़ी जाए, उसे कहां सही करूं? 18 के पैट में। अगर मुझे 31/12/19 में खड़े होके, जब IS-8 होता था ना तो 15-15 सालों की गलतियां पकड़ी जाती थी, ये तो FR1 वाले सब पढ़ रहे हैं, 15-15 सालों की गलतियां पकड़ी जाती थी, ये तो कुछ भी नहीं है हमारे सवाल में जो हुआ है। अच्छा जी, अगर मैं 19 में खड़े होके 19 की फॉर द ईयर गलतियां पकड़ लूं तो इस पैट को सही करूंगा। अगर मैं 19 में खड़े होकर लेकिन 18 के पैट की गलतियां सही करूं, तो कंपैरिजन में तो मैंने देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती हैं पिछले साल का कंपैरिजन, तो फिर 18 की गलतियां 18 के प्रॉफिट फॉर द ईयर में सही करूंगा। ठीक है जी। अच्छा एक मजे की बात, आप जो है वो 4 साल से अपने वालिद साहब को क्रेडिट सेल कर रहे थे बॉटल्स की, ठीक है, 2019 में अब्बू को आपने बोतलें बेची, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट भूल गए, यार अब्बू की तो चीजें दी हैं, क्या मसला है? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट भूल गए सेल 19 की। अम्मी ने पूछा वो तो पिछले साल भी बेची थी, हाँ डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, वो एंट्री भी भूल गए, वो एंट्री भी भूल गए, ठीक है जी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 18 वाली सेल भी भूल गए। अम्मी ने कहा वो तो तूने 2-3 साल हो गए दुकान खोले हुए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए दुकान, हाँ वो तो पिछले सालों से भी बोतलें बेच रहा हूँ, मैंने तो एंट्री नहीं करा डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। तो भाईजान कोई ऐसे डेटर भी होते हैं जिन पे हम हल्का हाथ रखते हैं, और कई सालों से वो डेटर जो है वो पैसे नहीं दे रहे और हम भी नहीं मांग रहे और हमने एंट्री भी नहीं की, अब आज सारे डेटरों की इकट्ठी एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन एंट्री का तरीका ये नहीं होता इस साल के प्रॉफिट्स को मंड के रखें कि सारे सालों के डेटर इस साल के प्रॉफिट में डाल दें, मंडना समझ आते, ठीक है, पता नहीं अंग्रेज क्या कहते हैं इसको, ओके रेकलेसली। अच्छा तो 19 की क्रेडिट सेल भूल गया, 19 में डाल दें, गुड, 18 अपने आपको दे रहा हूं, 18 की क्रेडिट सेल भूल गया, 18 के प्रॉफिट में डाल दें, और अगर 17 और 16 और 15 की क्रेडिट सेल भूल गया हूं, ये जरा आप इरशाद फरमाएं कहां डालें? ओपनिंग को सेट करना पड़ेगा, तो फिर ओपनिंग को सेट करने का तरीका ये नहीं है कि 25-25 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव में दे रहे हो, एक लाइन ऊपर और डालेंगे, क्या बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 18, ये सही वाले होंगे, इनके साथ क्या लिख देंगे? रीस्टेटेड, ये सही वाले होंगे ना, तो इसके साथ समझने के लिए रीस्टेटेड, यानी इसको दोबारा दोबारा सही कर रहे हैं, पहले पहले दोबारा तो सही ना, समझ लें इसको सही कर रहे हैं, पहले गलती होगी भी अब सही कर रहे हैं, तो यहां से एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये अनएडजस्टेड टाइप की चीज है और ये एडजस्टेड, लेकिन एडजस्टेड को लफ्ज नहीं चलता दुनिया में, प्रोफेशनल लफ्ज चलता है री, इधर याद अल्लाह करे इन्होंने कोई डाला हो लफ्ज री स्टेटेड का, नजर आ जाए, गलतियां नहीं करते, चलें ठीक है, ओके चलें जी, डन भाईजान, आप भाईजान आपके सामने गलती शरीफ है और आप शरीफ हैं, गलती भी शरीफ, ऊपर से आप भी शरीफ, क्या पसंद करेंगे, पहले इसे सही कर लें या इसे सही कर लें, क्या पसंद करेंगे? जो मर्जी कर लें, बिल्कुल जो मर्जी कर लें। अच्छा जी, IS-40 में क्या कहानी चल रही है, IS-40 में क्या कहानी चल रही होती है, हम कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे थे और कॉस्ट मॉडल में क्या डालते हैं? डेप्री, हमारा स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, कॉस्ट मॉडल से किस मॉडल पे आ जाओ? फेयर वैल्यू मॉडल पे। तो अब हम क्या डालना चाहते हैं? गेन लॉस। मुझे बता दें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पढ़ चुका है, क्या डालना है? डेप्रिसिएशन पढ़ चुकी है और गेन नहीं पढ़ा हुआ,
तो डेप्रिसिएशन उल्टा दें, डेप्रिसिएशन उल्टा दें और गेन लकीली दोनों चीजें ही प्लस होंगी। वो आप हमारी किस्मत है क्या, वैसा हो रहा है, क्या करें, लकीली दोनों चीजें ही प्लस होनी है प्रॉफिट। अच्छा पहले ये जरा असूल बता दें, डेप्रिसिएशन में उल्टाना चाह रहा हूं, डेप्रिसिएशन उल्टाने से प्रॉफिट बढ़ेगा और गेन रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसलिए ये दोनों प्रॉफिट को अनलकीली अजीब तरीके से सेम तरीके से इंपैक्ट कर रही है। लेकिन ठीक है, मॉडल ही डिफरेंट है ना यार, उधर हम कॉस्ट मॉडल है, इधर ये रिवॉल्यूशन है, ये सारी चीजें हम क्या करें, ये मॉडल की तो मसला है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी क्या क्या उल्टाने, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्चा, ये किस साल का खर्च है, इसको उल्टा दें, इसको उल्टा दें, खर्चे को उल्टाना किस साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ, उन्नीस करते जाएं, खर्चे को उल्टा दिया, खुशी डाल दें कितनी, 10.72, खर्चे को डालते, जिंदगी का बेसिक रूल याद रखें, खर्चे को उल्टाने से प्रॉफिट, ये प्रॉफिट्स है ना, और खुशी को डालने से खुशियां बढ़ जाती हैं। डन जी, खर्चा उल्टा दें किस साल के प्रॉफिट में, खर्चा उल्टा दें, 18 वाली गलती 18 में सही करें और खुशी रिकॉर्ड कर दें, 10.11 एडजस्टमेंट्स। हाँ जी, 17-16 की कोई भी गलती है उसे मजबूरन कहां सही करें, 19 की गलती को देखें, इधर 19 को उठा के कहां ले गए, 19 में पेंट ऐसे ही करते हैं ना, 18 को उठा के कहां ले गए, 18 में। आप बता दें 17 और 16 इन सबको मजबूरन कहां ले जाएं, इसके अंदर ले जाएं, तो इसको लिखें प्रायर ईयर एडजस्टमेंट्स। हाँ जी, अच्छा इसमें कुछ और जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने एक एक छोड़ी है, तो यहां डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, खर्चा उल्टाने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। खुशी रिकॉर्ड करने से खुशी प्रॉफिट बढ़ जाता है या अर्निंग जो भी, खर्चा उल्टाने कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू पर जा रहे हैं ना, तो खर्चा उल्टाने से प्रॉफिट, और खुशी रिकॉर्ड करने से अर्निंग, ये प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, प्लस 9, ये नोट कर लें यहां तक। Thank you.
डन जी। तो 19 की गलतियां किस प्रॉफिट में? 19 के प्रॉफिट में। वैसे गलतियों का लफ्ज़ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कल आईएएस 8 समझाते हुए कि ये असल में गलती नहीं होती, ये पॉलिसी चेंज है। बहरहाल 19 की गलतियाँ 19 में सही, 18 की गलतियाँ और पुरानी सारी गलतियाँ, ये एक लाइन डाल के 10 सही टॉप पे। यार ये ट्राई कर लें यार, वैसे आपको मजे की बताऊं बात, इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी ये एंट्रीज करने की, पेपर में यही करते रहेंगे बैठ के। रेंट उल टाना है और डेप्शन इंटरेस्ट डालना है, पी एंड एल के आइटम्स के बारे में सोच रहा हूं ना मैं। रेंट उल टाना है और डेप्शन इंटरेस्ट डालना है, ट्राई करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, डेप्रिसिएशन भी है। रेंट उल्टाना है, डेप्रिसिएशन डालनी है, इंटरेस्ट डिडक्शन, ट्राई करें। प्लस माइनस इंशाल्लाह हो जाएंगे, अब इतने बड़े हो गए हैं, F2 के लेवल पे आप कर लेंगे। करो करो करो, छोड़ो आप। शुक्र है ये तो 18-19 में हम खेल रहे हैं, इसमें ना 17 की बात है ना 16 की बात है। खर्चा उल्टाने से प्रॉफिट, खर्चा रिकॉर्ड तो नहीं करे ना, उल्टा रहे हैं। खर्चा उल्टाने से प्रॉफिट, ये मैं पहले 19 से चल रहा हूं। खर्चे डालने से प्रॉफिट, ये वैसे मजे की एंट्री आई है, इसने थोड़ा सा ज्यादा मजा। खर्चे डालने से प्रॉफिट, असल में ना अकाउंटेंट रेंट का खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी राय होती है इंटरेस्ट डिडक्शन का खर्चा रिकॉर्ड करो। तो खर्चे ओरिजिनल में तो रिकॉर्ड करने हैं ना, रॉन्ग को टीचर कहते थे उल्टा दें, ओरिजिनल को रिकॉर्ड कर दें। तो खर्चे डालने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम करेंगे माइनस 12.33 16.3। ओके आखिरी एडजस्टमेंट जी, शुक्र है तो फिर खत्म हो जाएगा 15-20 मिनट में, अगर डिविडेंड आपने जल्दी करवा दिए तो। खर्चा उल्टाने से प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन ये देखें, ये साल कौन सा है? 18, यहां तक ये सारा 18 का साल है। खर्चा उल्टाएं, प्लस 25, इधर आके जरा देखें आप चीजों को, कौन सा खर्चा डालना है, जिनको उल्टाना था वो ये थे और जिनको रिकॉर्ड करना था वो ये थे। खर्चा उल्टा दिया, अब डेप्शन इंटरेस्ट डाल दें, ये खर्चे रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होगा, लेकिन ये 18 के 13.16.3। अब अल्लाह करे अनएडजस्टेड प्रॉफिट सवाल में अवेलेबल हो, देखें इधर अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स अवेलेबल हो और ये वाली रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल हो, ये वाली रिटेन्ड अर्निंग, ये वाली, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हुई तो बस फिर अब एडजस्टमेंट्स पोस्ट हो गई हैं। तो कितने साल की स्टेटमेंट इन इक्विटी बनाई है? 2 सालों की। यार अगर एक चीज का फॉर्मेट आता हो ना, फॉर्मेट, तो फिर उसमें इरेलेवेंट चीजें इग्नोर करना भी समझ आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं सारे डेटे को इस वक्त इग्नोर करता हूं सवाल में, मुझे बताएं किस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है? 19 का,
गलत होगा ना, गलत होगा 84। ये मैंने सवाल से उठाया ना, सवाल से उठाया, ब्लू मार्कर यूज कर। 84 एडजस्टमेंट्स नहीं है। सबर सबर सबर, 19 का प्रॉफिट उठा लिया, ये किसका प्रॉफिट है? 18 का। कितना? 98। अब देखें ये सेट में चीजें तो नई हैं कुछ, लेकिन ऑब्वियसली मुझे उम्मीद है आप शायद जवाब दे पाएं। अभी आपने पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी है, उसमें से दो प्रॉफिट मैंने येलो किए थे, हमारे साल का और पिछले से। अब कभी कभी एग्जामिनर 17 का दे देगा, 16 का दे देगा, इनको छोड़ें ऑडिटेड ड्राफ्ट, ये इंशाल्लाह मैं कल बात करूंगा। कभी कभी 17 का दे देगा, कभी 16 का दे देगा, कभी 15 का दे देगा। हम भाई तू हमें क्या दिमाग की दही बना रहे, 17 के प्रॉफिट को मैंने कहाँ डालने, फॉर्मेट बनाओ ना फॉर्मेट, तो इग्नोर करने वाली फिगर्स खुद ही समझ आ जाती हैं। अब 17 के प्रॉफिट की हमने कोई जगह रखी है? वो तो फिर एक और स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनानी पड़ी। तो मांगी उसने कौन सी हुई है? सिर्फ 19 की अलॉन्ग विद, तो अब जो भी प्रॉफिट है ना 17 का, वो 17 का प्रॉफिट इस रकम जनवरी में बड़ा होगा। तो भाईजान उठाना किस किस साल का प्रॉफिट था? 19 का और 18 का, और हमें गिवन किस साल का था? 17 का। डन, इसको भी मैं देखता हूं अभी, इसको देख लेते हैं अभी। चलें जी, ये भाईजान बता दें, कोई काम की चीज इधर से मिल रही है तो मुझे बता दें। काफी सारे ओपनिंग है, ऐसा कर लेता हूं ना, ऐसा कर लेता हूं, इसको मैं लिख देता हूं यकम जनवरी और यकम जनवरी 17। जी मोहतरम, अब फरमाए आप भैया, ये पढ़ लीजिएगा, कहीं कत्ते से बना लिखा हो पेपर में। मुझे कौन सा चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, देख लें, वेरी इजी, मुझे कौन सा चाहिए और गिवन कौन सा है, वो तो फिर पंगे लेते हैं, क्या आपको पता है यकम जनवरी 17 का। अगर फॉर्मेट पता हो, जैसे ही मैंने पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोली थी मैंने ऐसे एक लाइन लगाई थी, मैं तो शुरू ही यकम जनवरी 18 से करना है, तो मुझे बता दिया मैं क्या काटूं। तो आई एम इन नीड ऑफ यकम जनवरी 18, देयर फॉर उधर ये रेलिवेंट है, इधर ये रेलिवेंट। डन जी, तो 300, 102 और 348, 300 अनएडजस्टेड वाला में डालूं, एडजस्टेड वाला में डालूं, अनएडजस्टेड वाला में, एडजस्टेड वाला में 300 348। चलें नोट कर लो, शुक्र है हमने इरेलेवेंट फिगर्स को इग्नोर कर दिया। तो लाओ भाई इधर कैमरा। जी मोहतरम, प्रॉफिट किस साल का चाहिए था? रेंज में रखें 19-18, 19 का चाहिए था और 18 का चाहिए था। अगली बात बताएं, हाँ ओपनिंग किस किस का चाहिए था? सिर्फ यकम जनवरी 18 का। एक आखिरी बात पूछ लूं भाई, इधर देख, अगर इधर 2000 यकम जनवरी 19 का भी दिया होता तो वो भी मैंने इग्नोर करना था, क्योंकि वो तो कोई इधर वाली चीज है, वो तो मैंने ऊपर से बैलेंसिंग निकालनी है। अच्छा जी यार, ये क्या है, ये 84 25 98 14, एक फिक्रा बोल दे कोई बंदा, काला नीला। ओ भाईजन, ये P&L इनके बने हुए हैं, ये दोनों फिगर्स 84 और 25 पता कहां होती थी, ये 84 और 25 यहां कहीं जाके हमारे इसी व्हाइट बोर्ड पे P&L में, यहां कहीं जाके पैट आता था, यहां सरप्लस आता था, ये TCI आता था। मैं कहता था TCI की जरूरत नहीं है, काले नीले को
ये काला नीला पड़ा हुआ है, मुझे कैसे पता चला? फॉर द ईयर, काला नीला उठाए, काला डन। अगर आप थोड़ी सी इजाजत दें, टीसीए लिख दो, वैसे किताब में इसमें ना सॉल्यूशन में मैंने नई लाइन डाली हुई है रिवेलेशन सरप्लस, वो भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं चाह रहा हूं जो हमने किया हुआ है उसी पर रहें। सॉल्यूशन में मैंने इसमें नई लाइन डाली हुई है रिवेलेशन सरप्लस, कोशिश करूंगा चले शायद सॉल्यूशन अपलोड करते उड़ा ही दूं, ताकि जो हमारी आदत पड़ी हुई है वो करें। बताएं जी टीसीआई लिखना पड़ेगा या पैट ही आ रहा है? और बताएं काला नीला पोस्ट कर दूं? कर दें 84, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नीचे वाली लाइन में पढ़ा दूंगा आपको इंशाल्लाह, कल पढ़ा दूंगा। 84 और 25 बोले 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 काला नीला, लेकिन काला तो उसमें एडजस्टमेंट्स करनी है ना। ओहो आज काला हमने नीला लिख लिया, सॉरी मैं नीला उठाए। बहरहाल फॉर द ईयर, 25 डन। पकड़े लॉस इन ओसी आ जाता था, काला नीला 18 के काला नीला कितना डन। तो ये तो एज इट इज उठा के पोस्ट करना था, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। हजरात वेयर इज पेन नाउ गाय, नीचे गिर गया। अच्छा मोहतरम ये बताएं, ये डिविडेंड ये राइट शेयर ये हमारे किस साल की स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी है? ये 18 की, ये उंगलियों के आगे देखें, ये 18 की स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी है, ये 19 की, उधर मत देखें इधर देखें। 18 में 17 का फाइनल और 18 का इंटरिम आता है, आई रिपीट 18 में 17 का फाइनल 18 का इंटरिम आता है और 19 में, ये 19 का साल है ना, पैट भी 19 का पड़ा है, 19 में 18 का और 19 का इंटरिम आता है। और अगर कैश डिविडेंड हुआ तो रिटेन अर्निंग डेबिट, पेएबल तो बैलेंस शीट की चीज है ना, कैश डिविडेंड हुआ तो रिटेन अर्निंग डेबिट, और बोनस हुआ तो रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ऑन 1 मार्च 2018 एफएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% फॉर 17, फाइनल 17 का कहां आना है जल्दी बता दें, फाइनल 17 का कहां आना है, फाइनल 17 का 19 में, यार ये मैं बना ही दूं, ये 19 चल रहा है और ये 18 चल रहा है, फाइनल 17 का 19 में आना है 18 में, बताएं जी फाइनल डिविडेंड किस साल का, कौन सा फाइनल शेयर कैपिटल, जो लेटेस्ट अवेलेबल हुआ करेगा, ये भी आज सुन लें, जो लेटेस्ट अवेलेबल हुआ करेगा 300 × 10%। इसके आपको एंट्री याद है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, तो डिविडेंड पेएबल तो करंट लायबिलिटीज में जाते हैं, तो फिर अर्निंग डेबिट कर दूं खाली या बैलेंस शीट का पेएबल भी बनाऊं साथ? और भाइयों सवाल खामोश हो तो मैंने कहा था वैसे पे हो गया होता है, तो बहरहाल लोग आगे लेके चले गए होंगे, लेकिन फिलहाल मैं बैलेंस शीट का सवाल तो कर नहीं रहा कि फाइनल अकाउंट के एतबार से इस पर सोचूं, तो अर्निंग तो कम से कम डेबिट करा दें जी, अर्निंग डेबिट 30 डन। आगे चलें, ऑन 1 नवंबर 2018 शुक्र है हमारे साली,
राइट शेयर में तो जिस साल की एंट्री उसी साल करनी है, राइट शेयर तो कोई इशू नहीं। यकम नवंबर इधर नहीं, यकम नवंबर 18, 40% राइट शेयर वाज इशू एट रुपीज 24 पर शेयर। ये कहां हुई थी डिस्कशंस? फाइनल अकाउंट में हुई थी, सब बना हुआ है, अब ढूंढना पड़ेगा। एक दिन वो डायग्राम बनाई थी जिसकी आपने, तो फाइनल अकाउंट किधर है पहले ये बताएं, फाइनल अकाउंट किधर है? दरमियान में एंड पे। अच्छा, इसमें एक सवाल किया था, सबसे पहला क्वेश्चन पास पेपर्स के सवाल किए थे, मैंने शायद कहा भी था ये डिस्कशन यूज होनी है, इसको याद रखिएगा। ये आईएएस 8 की डिस्कशन याद रखिएगा, ये पढ़ी हुई है हमारी, ये इंशाल्लाह कल करेंगे क्वेश्चन 4 के साथ। डिविडेंड्स ना कहीं और समझाए थे, लेक्चर 100 में लिखा हुआ था? नहीं नहीं, लेक्चर 100 में, लेक्चर 100 कौन सा था? और छोड़ो यार, राइट शेयर की एंट्री बताएं, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। पेज 415 पे, फोर किस चैप्टर के? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेक्चर नोट्स वॉल्यूम 2 पेज 415 पे। जी हजरात मिल गई, हाँ मिल गई मिल गई मिल गई जी। राइट शेयर्स की एंट्री, नेस्ले इज इन नीड ऑफ मनी, नेस्ले को पैसे चाहिए, राइट शेयर्स इशू होंगे, नेस्ले इशूड शेयर्स, राइट शेयर्स की एंट्री बता दें, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और मोहतरम ये वो ले जो दो मैं कह रहा था वो भी रिवाइज कर लें। डिविडेंड बांटने की एंट्री, डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग डेबिट पेएबल, बैलेंस शीट का आइटम है तो मैंने रिटेन्ड अर्निंग को काम कर दिया है। और बोनस शेयर होते, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, डन। डिविडेंड दो तरह का होता है, पैसे बांटो या शेयर बांटो। और राइट इश्यू का मतलब होता है पैसे लो, शेयर होल्डर से पैसे लो। तो डिविडेंड बांटने की एंट्री क्या, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और शेयर बांटने की एंट्री, डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बांटू मत बल्कि पैसे लू तो क्या एंट्री होगी, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अच्छा हाँ यार, ये ढूंढ रहा था मैं, इसमें फिर आप क्या करते थे, नंबर ऑफ शेयर्स इस सवाल में ना हमारे में मिसिंग थे, जो मुझे फाइनल अकाउंट का सवाल किया था, इधर नंबर ऑफ शेयर्स पता चल सकते हैं कितने हैं। तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये एंट्री हो जाएगी हमारी, क्योंकि इसमें रॉन्ग भी थी, रेक्टिफाइंग भी थी, हमारे आज के सवाल में ये मसला नहीं आएगा। जी हजरात, एफ एल इशूड 40% राइट शेयर एट रुपीज 24 पर शेयर, 24 में 14 प्रीमियम और 24 में 10 शेयर कैपिटल। पहले ऐसा करें, 24 रुपए की एंट्री करा दें, बाकी फर्क नहीं, 24 रुपए की एंट्री करा दें, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम, डन। 40% राइट शेयर्स, ये किन शेयर होल्डर्स को शेयर दिए जाते हैं? कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है, पुराने शेयर होल्डर्स को, उनको क्या कहा जाता है, और शेयर ले जो। 40% मैंने किस पे लगाना है यार, डिविडेंड में शेयर कैपिटल पे लगाते हैं, राइट शेयर में क्वांटिटी पे लगाते हैं। डिविडेंड जब निकालना हो ना, डिविडेंड निकालना हो तो शेयर कैपिटल की अमाउंट पे परसेंटेज लगती है, लेकिन जब राइट शेयर निकालने हो तो मुझे क्वांटिटी सही होती है। तो अब बता दें मोहतरम कि ये एफर वन की बातें हैं, शायद आपको याद हो, मुझे बता दें हमारे कैपिटल कितना है, 300 मिलियन हमारा कैपिटल है,
तो कोई बता सकता है शेयर्स कितने हैं? 30 मिलियन शेयर्स। ये ओल्ड हैं शेयर्स, मैं न्यू इश्यू करना चाहता हूं, मुझे कैसे पता चला ओल्ड ये हैं? ये देखे ना, 1 नवंबर को मैंने राइट इशू डालने, राइट इशू किस दिन डालने? 1 नवंबर को। समझे बातों को? 1 नवंबर को बता दें ये, व्हाट इज माय सरमाया, व्हाट इज नंबर ऑफ शेयर्स, इन 30 मिलियन वालों को कितने परसेंट हमने शेयर दिए? 40%। यही FR1 में तरीका बताया जाता था जी। न्यू शेयर्स बता दें 30 × कितने मिलियन शेयर्स? डन। आप बता दें 12 मिलियन। वैसे आदत हमारी पहले क्वांटिटी लिखने की होती थी, 12 मिलियन शेयर्स। डन जी। तो बता दें राइट शेयर्स में लिख लें, राइट शेयर्स में पहले शेयर्स की क्वांटिटी पता होनी चाहिए, राइट शेयर्स में पहले शेयर्स की क्वांटिटी पता होनी चाहिए। और एक और बात लिख लें, ये पुराने शेयर होल्डर्स को नए शेयर होल्डर हम देते हैं, नए शेयर देते हैं। राइट इशू में क्वांटिटी पता होनी चाहिए और ये पुराने शेयर होल्डर्स को हम नए शेयर देते हैं। हाँ जी, जवाब क्या आ गया? 288 160। यार कैश डेबिट कहाँ से करूँ, तो फाइनल अकाउंट का सवाल तो नहीं है, तो छोड़ें। शेयर कैपिटल बढ़ाने कितने से? यार मैं गलत डेट तो नहीं डाली, 1 नवंबर 18 में डाल दूँ ना? हाँ, राइट शेयर में तो वो डेट देखनी होती है बस, 1 नवंबर 18 में डाल दें जी। बताएं 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 बताएं, शेयर कैपिटल 120 168। खत्म यार, बस ऑन 1 अगस्त 19 इंटरिम बोनस ऑफ 15% वाज डिक्लेयर्ड। इंटरिम तो 19 का 19 में ही होता है ना। और आपको एक और बात बताई थी, चौधरी रखो भी कैमरा नोट कर ले। ओके, आ जाओ इधर। हाँ जी, ये इंटरिम कौन सा होता है? इंटरिम उसी साल का उसी साल में रिकॉर्ड होता है, तो फिर 19 के तो 19 में ही रिकॉर्ड होगा, पहली बात ये होगी। दूसरी बात बोनस शेयर की एंट्री, बोनस शेयर की एंट्री, रिटेन अर्निंग डेबिट। पास्ट पेपर का क्वेश्चन था, उसमें राइट शेयर भी थे, बोनस शेयर भी थे, जो हमने क्लास में सेकंड या थर्ड फाइनल अकाउंट का सवाल किया था। रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। और शेयर कैपिटल में मैंने कहा था बोनस शेयर हमेशा फेस वैल्यू पे इशू होते हैं, इसमें पार प्रीमियम का चक्कर ही नहीं। भाईजान, शेयर कैपिटल का बैलेंस बदल चुका हुआ है, नजर मार रहे हैं आप? शेयर कैपिटल का बैलेंस बदल चुका हुआ है, ये देखें। आप बता दें बोनस शेयर इनको देने हैं ना, एग्जिस्टिंग वालों को 420। 19 में बोलें कौन सा फाइनल डिविडेंड आएगा और कौन सा इंटरिम। 18 का फाइनल और इंटरिम किस साल का? 19 का। लेकिन इंटरिम 19 का कैश नहीं, बोनस। डन। 420 मल्टीप्लाइड बाय 15% 63 की पहले एंट्री मुझे बता दें, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, कितना? 63। और यार ये सारी बनाई हुई है आपने, राइट शेयर, बोनस, फाइनल, ये सारा आप लोगों ने एफ आर वन में किया हुआ सारा। अच्छा, इंटरिम शेयर कैपिटल बोले 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 63, शेयर कैपिटल क्रेडिट और रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। डन। अब सवाल की तरफ नहीं देखना, एक लाइन अगर आपने पढ़नी है तो पढ़ लें। कहता है मैं सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट वाली एंट्री नहीं करता, सवाल में लिखा हुआ है मैं सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग वाली क्रेडिट एंट्री नहीं करता। ये देखें सवाल में लिखा हुआ है, कहता है ये एंट्री मैं नहीं करता। ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग इज मेड अपॉन डिस्पोजल ऑफ एसेट।
असल में ना कुछ लोग करते हैं, हर साल डेप्रिसिएशन में ना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ढूंढते हैं और उसको साथ साथ सरप्लस रिटेन अर्निंग एंट्री करते रहते हैं। कहते हैं मैं ये एंट्री नहीं करता, जब कभी जिंदगी में एसेट बिक जाए ना तब कभी ये मैं एंट्री कर देता हूँ। तो कुछ लोग होते हैं सरप्लस को अपने हाल पर पड़ा रहने देते हैं और जब एसेट बिक जाए, इसकी भी ज़्यादा स्टैंडर्ड में आइडियल ये है कि आप सरप्लस को रिटेन अर्निंग में आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर करते रहें। लेकिन अजीब सी बात क्या है, ये कहते हैं मैं सरप्लस को रिटेन अर्निंग में तब ट्रांसफर करता हूँ जबकि एसेट बिक जाए, और हमारे सवाल में एसेट बिका नहीं। तो ये पता है उसने किस किन लोगों के लिए लिखा था, जिनके जहन में आ रहा होगा सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग राइट एंट्री किससे करूँ, उनके जहनों में आ रहा होगा। और जिनको समझ नहीं आएगा वो इग्नोर कर रहे होंगे, उनको भी नंबर मिलाए होंगे, तो उनको वो लिख के तो नहीं आता क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो करें जी टोटल्स, ये जल्दी फारग हो गए हैं। कहते हैं जिस वक्त मैं एसेट बेचूंगा ना उस वक्त एंट्री करूंगा सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अब हमारे सवाल में देखें कोई एसेट बिके, तो जब कोई पीपीई बेचेंगे जी एंट्री कर देंगे सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। प्रायर ईयर एडजस्टमेंट का टोटल बताएं जी शुरू से, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट किसमें डाल लूं, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट अर्निंग्स में डाल लूं, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट का टोटल कहां डालूं, अर्निंग्स में, नुकसान फायदा पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं, कितना फायदा 26.5। अच्छा एक बात, ये लाइन अभी तक खाली है, इसको अब भरना है, ये लाइन खाली है। अल्लाह का शुक्र है कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं आया करेंगी, शेयर प्रीमियम में भी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं आया करेंगी, अर्निंग में एडजस्टमेंट आया करेंगी 374.102। डन जी। अच्छा अब जाते जाते इनके नाम बता दें, क्लास खत्म हो रही है, जाते जाते इनके नाम बता दें, क्या लेटर्स हाथों में हो आंखें सब, अनएडजस्टेड ओपनिंग, अच्छा ये अनएडजस्टेड आ गया, ये एडजस्टमेंट्स आ गई, और ये रीस्टेटेड आ गए बैलेंसेस। ओके पकड़े 98 प्लस 4 प्लस 10.11। और यार भाईजान एनुवी टीसीआई लिखो ना क्योंकि सरप्लस भी है। बोले 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 हाँ 107.12। ये पैट आ गया 168.45 थोड़ा होली हाथ रखो ना, जो टोटल जरा आराम से करते हैं उनको निकल आए, फिर आगे चलते हैं अगला साल आएगा आएगा बिल्कुल, मैं बताता हूँ अभी। बड़ी जगह छोड़ी थी, डिविडेंड्स आने हैं, कोई डिविडेंड नहीं इतने आए। चलें जी इसका पैट भाई 95.09। यार लिख देते हैं यार इधर ताकि इस तरह याद रहे। फोर्टीन और 25 काला नीला। चलें जी 480 यार तेनू चेती हुई है, तू कह रहे क्लास में कहा, चलो चेंडो कर, किधर बैठा है ये? अच्छा नहीं नहीं ऐसे बात नहीं, टोटल चट पड़े, टोटल करने हैं या टोटल का कॉलम नहीं मांगा हुआ? उन्होंने कहा ना ख्वार कर ले, हम टोटल का कॉलम ही बढ़ाने लगे थे, यही करेंगे, टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, थोड़ी मेहरबानी। कुछ कोई कुछ चाचू पता क्या समझेगा, क्योंकि समझेगा ये वाले टोटल नहीं मांगे हुए थे। तो भाई जानो कह रहे ए वाला टोटल नहीं मांगे हमने, ये वाला टोटल नहीं मांगा। असल में ना इसमें एक मसला है, अब आप ऑर्गेनाइजेशन की इक्विटी बता नहीं सकते जब तक टोटल ना आए। इस ऑर्गेनाइजेशन की इक्विटी ना चारों को जमा करके आएगी, ये इसकी इक्विटी है और ये इसकी इक्विटी है। एक आखिरी चीज समझ आ गई ठीक है,
नहीं तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। दो रीस्टेटेड और आने हैं, ये जो लफ्ज़ है ना रीस्टेटेड, ये दो और आने हैं, एक इसके साथ आने, रेड मार्कर, किधर है नीला ज्योमेट्री बॉक्स, पायन हमने कॉल रखे है, ये जी तीन जगह आते हैं रीस्टेटेड। मुझे बताएं यूजर को ये वाली अर्निंग बताई होगी ना गलत पुराने सालों की, इसको क्या किया हमने, ये तो अनरीस्टेटेड टाइप की चीज है, ये रीस्टेट की है ना। अच्छा 19 में मैं खड़ा हूं, क्या 18 के अकाउंट्स उनके घर पिछले साल भेजे होंगे, 19 में मैं खड़ा हूं 18 के अकाउंट्स पिछले साल भेजे होंगे, तो क्या पिछले साल जब उनके घर अकाउंट्स भेजे होंगे तो उनमें प्रॉफिट तो 98 था, मैं रीस्टेट करके 98 को किस पे ले गया, सही है। और उनके घर जब अकाउंट्स भेजे होंगे तो कि ये क्लोजिंग आ रही भी गलत भेजी होगी, तो इधर भी क्या आ गया, तो भाई तीन जगह रीस्टेटेड आता है, तीन जगह। एक एक फिक्रा बोलने लगा हूं, अगर ये गलती ना होती तो ये दो लाइनें भी ना होती, रीस्टेटेड ये वाला ना आता, लेकिन अभी कितने जगह रीस्टेटेड आ रहे हैं, तीन जगह, तो स्टॉप पे लिख लें तीन जगह रीस्टेटेड आ रहा है। कौन कौन सी जगह, चाचूस इधर बोले, इधर देखें, हमारे साल की ओपनिंग के साथ या पिछले साल की ओपनिंग के साथ, पिछले साल की ओपनिंग के साथ, और हमारे साल की ओपनिंग के साथ, और पिछले साल के, यार इनके साथ क्यों नहीं मैं रीस्टेटेड लिखूंगा भाई, ये तो अभी ऑडिटर्स इसका ऑडिट करके ये मसले निकाल के गए हैं, ये तो अभी हमारे हाथ में है, ये उनके पास पहुंच चुकी हैं। और आखिरी बात सुन लें, हंसते खेलते जाइएगा, हंसते खेलते जाइएगा, ये बात सुन लें, रिलैक्स हो जाएंगे आप, रिलैक्स हो जाएंगे। जब इसके पास 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहुंचेंगी घर, तो इसको तो नहीं पता था कि 84 से यहां तक हम आए होंगे, क्योंकि 19 की तो पहली दफा इसके घर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई है, 19 तो हमारा साल है। जब 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचेंगी इसके घर, तो ये अपनी बेगम को कहेगा 92-18 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ला, बानो कहेगी सरताज गुम गई है, बानो ला 18 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बानो जाके झाड़ झूड़ के ऊपर से अलमारियों से पेटियों से किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी, साल गुजर चुका, दीमक लग चुकी, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाएगी, 18 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाएगी। ये कहेगा बानो मुझे याद आ रहा है इसमें प्रॉफिट 98 लिखा हुआ था, इसमें प्रॉफिट 98 लिखा हुआ था, और अब प्रॉफिट 107 पॉइंट, ये क्या हो रहा है बानो, बानो ने कहा रीस्टेटेड लिखा हुआ है। अखीर जवाब है ना, देख लो सरताज क्या लिखा हुआ है, उसने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर दिया था, रीस्टेट कहां कहां आया करेगा, हमारे साल के क्लोजिंग के साथ नहीं, हमारे साल के पैट के साथ नहीं, कभी नहीं आएगा, पिछले साल के क्लोजिंग के साथ और उससे पिछले साल के क्लोजिंग के साथ, तो तब आएगा जब इधर कोई गलती हुई होगी, और पिछले साल का प्रॉफिट तो आपके सामने ही गलत सही हो रहा है, तो इसके साथ भी क्या आएगा, रीस्टेट, हमने तुम्हें दोबारा रीस्टेट करके दे दिया, ठीक है जी। ओबा